नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एनएसपीसी लिमिटेड की। 31.25 रुपए का स्टॉक है और 2% की रैली यहां पर आई है। 55 मिलियन शेयर यहां पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि वोलेटाइल मार्केट हो चुका है आपका, ओमिक्रोन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एनएसपीसी में 2% की रैली के साथ एक ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत होती दिखाई दे रही है, क्या यहाँ पर दाव लगाना सही है? वोलेटाइल मार्केट में किस स्टॉक पर दाव लगाएं, कितना पैसा एनएसपीसी में बनेगा, टारगेट कहाँ पर सेट करना है, कितना टाइम फ्रेम आपको लेकर के चलना है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न काफी गजब का है, एक सपोर्ट अच्छा मेंटेन हुआ है। अच्छा बात करेंगे तो यहाँ पर 29-30 रुपीज के आसपास का बहुत गजब का सपोर्ट मेंटेन हुआ है। पिछले 3 महीनों से इससे नीचे स्टॉक आपका नहीं गिरा है, एंड दैट्स फाइन। अगर आप बात करें मार्केट की, मार्केट में भारी गिरावट हुई है। आप देख सकते हैं पिछले 3 महीनों में मार्केट बुरी तरह से फिसला है। ऐसे में भी अगर एनएचपीसी आपको एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर आपको दाव खेलना चाहिए। और जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से खबरें आ रही हैं सेमीकंडक्टर एंड माइक्रोचिप्स डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 76,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने जा रही है, तो बिल्कुल एनएचपीसी जैसी कंपनीज में आपको डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर काफी अच्छा मुनाफा इस कंपनी को देखने को मिलने वाला है इस स्कीम के बाद, तो बिल्कुल यहाँ पर तो निवेश आपको करना ही चाहिए। लोअर एंड पे 29-30 रुपए के आसपास का आपको सपोर्ट रखना है। स्टॉक अच्छे जोन में है तो यहाँ पर बिल्कुल आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। जहां तक बात रही आरएसआई की, आपको अच्छा आरएसआई मिल रहा है 57 का, बुलिश जोन में आरएसआई है आपका। मैग्डी की चर्चा हो तो मैग्डी आपका न्यूट्रल जोन में है अभी भी, हालांकि न्यूट्रल टू बेरिश मोमेंटम में है मैग्डी आपका। तो ऐसे में अगर आप खरीदारी करते हैं तो थोड़ा सा साइडवेज आपको मार्केट अभी भी देखने को मिल सकता है। That means कि थोड़ा सा आपको बोर्डम फील होगा, बट दैट्स ओके क्योंकि मार्केट में बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि आपको 36-37 रुपए तक की रैली विद इन अ वीक और टू देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल 3 महीने का टाइम फ्रेम रख करके आपको यहाँ पर दाव लगाना है। स्टॉक अच्छा है, कंपनी बहुत गजब की है और यहाँ पर आपको अच्छा खासा मुनाफा बनता हुआ दिखाई देगा। जहां तक बात रही बाजार की, बाजार आपका अभी भी साइडवेज में है तो थोड़ा सा आपको सतर्क होकर के चलना है। अगर आप निवेश करते हैं, बाजार वोलेटाइल है और गिरावट होती है तो एनएसपीसी भी आपको साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो बिल्कुल मार्केट को वॉच आउट करना है। साथ में एफआईआई का डेटा भी वॉच आउट करना है। 975 करोड़ के आसपास की बिकवाली इन लोगों ने कल के बाजार में की थी, हालांकि डीआईआई खरीदारी में है। 1,000 करोड़ के आसपास, 6,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर खरीदारी हुई है इनकी तरफ से, बट मार्केट को अकेले डीआईआई का संभालना मुश्किल है। एफआईआई अगर इस तरह से प्रेशर बनाते हैं तो मार्केट नीचे गिर सकता है, इसी वजह से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। अगर आप एनएसपीसी में खरीदारी करते हैं तो 29-30 रुपए के आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली पॉइंट करना है। सेकंड टारगेट कहाँ पर है भैया? सेकंड टारगेट इज अराउंड 40 रुपीज के आसपास का। स्टॉक अच्छा है, अगर आप वेट करते हैं तो आपको 40 रुपए तक का स्टॉक जो है वो आसानी से 3 से 4 महीने में जाता हुआ दिखाई देगा। खरीदारी करने की सलाह, बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज व्यूअर्स का है आपके स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के भी मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट, पूछना हो तो थैंक यू।